नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लगातार इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड के बारे में। तो यार देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैंने बहुत बार इसके वीडियोस बनाए, आप लोग क्या सोए रहते हो? तो देखो, ये स्टॉक को फेंक दो, ठीक है? बेकार स्टॉक है, घटिया स्टॉक है। पर्सनली मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ, मैं तो कब का स्टॉक से निकल चुका हूँ। अब ये बातें आपको थोड़ी चुभने वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? जब स्टॉक अच्छा लगता था, देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर स्टॉक बता नहीं रहा हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ कि स्टॉक मैंने क्यों बाय किया था, राइट? अगर आपको लगता है कि पेनी स्टॉक से पैसा बनता है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप रिसर्च कर लो खुद, स्टॉक ढूंढो खुद। अगर मिलते हैं तो मेरे साथ भी शेयर कर देना, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अब किस लॉजिक के साथ मैं ये स्टॉक को बाय किया था, सिंपल है। ये स्टॉक लास्ट 4 सालों से 49 पैसे के प्राइस में ट्रेड कर रहा था, मैंने तब स्टॉक को बाय किया था। और दूसरा लॉजिक मैंने स्टॉक को बाय करने का था, प्रमोटर्स की होल्डिंग 17% स्टेबल होल्डिंग थी, ये रीजन था मेरा स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने का। अब आप लोग बोलोगे सर 17% तो बहुत छोटा नंबर होता है, भाई आप किस दुनिया में रह जी रहे हो? 17% प्रमोटर्स की होल्डिंग और स्टॉक का प्राइस 50 पैसे है, आपको कम लग रहा है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप लोग कंपेयर कर रहे हो एक बड़े प्लेयर की छोटे प्लेयर से, जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। आप कंपैरिजन कर रहे हो रिलायंस की, ठीक है, बजाज फाइनेंस की, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की इस पेनी स्टॉक से, जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। इसका मार्केट इतना छोटा है, इसका प्राइस इतना छोटा है, उसका प्राइस पर्वत है, तो कंपैरिजन करना मूर्खता वाला काम है, ठीक है? आपको अपने लॉजिक ढूंढने जो आपके लिए कूल हो, आपके कूल का मतलब आप उसको आराम से बाय कर सकते हो, आराम से उसको मैनेज कर सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने इस रीजन से एंट्री करी थी। और वो रीजन क्या आया था मैंने आपको बतला दिया, ये 2 रीजन थे मात्र जिस वजह से स्टॉक मैंने खुद बाय किया था 49 पैसे और 92 पैसे और 1 रुपये के आसपास मैंने खुद स्टॉक को बेचा था। अब 1 रुपये के आसपास क्यों बेचा, 2 रीजन है। पहला रीजन, 1 रुपये का इसका टारगेट था। क्यों टारगेट था? क्योंकि स्टॉक का बुक वैल्यू 1 रुपये के आसपास का था। तो रीजन समझ आ गया, टारगेट कैसे निकाला जाता है, बुक वैल्यू जो होती है वो हमारा टारगेट की तरह काम करता है। अब आप बुक वैल्यू कैसे चेकआउट करोगे, ये skinner.in की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू होती क्या है, बुक वैल्यू डिपेंड करती है कि कंपनी के पास कितना अभी प्रॉफिट आ रहा है उसके बेसिस में और कितना ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। अब ऑर्डर बुक के बारे में बात नहीं करूंगा, तो प्रॉफिट देख लो कंपनी के, लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस थी, मतलब छोटा मोटा कंपनी प्रॉफिट दे रही थी, 1 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख का, ठीक है, कभी भी लॉस भी होता था, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन बना स्टॉक को बाय करने का, मतलब टारगेट वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने का। तीसरा रीजन क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो तीसरा रीजन ये बना जिस वजह से स्टॉक मैंने बाय किया था फर्स्ट टाइम, वो ये था 17% की होल्डिंग थी जो घटके 6% हो गई। तो यार जब मेरा रीजन ही मेरे सामने नहीं है तो मैं क्यों स्टॉक को होल्ड करूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरा रीजन था स्टॉक को, प्रमोटर्स की होल्डिंग 17% थी, मैंने तब स्टॉक को बाय किया था। अब मेरा रीजन यहां से खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो मैं क्या स्टॉक को होल्ड करूंगा? कोई पागल ही होगा जो अपने रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो मेरा रूल ही जो यहां पर टूट गया तो मैं क्या स्टॉक को क्या करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, इसे तो कहता हूं वीडियोस को पूरा देख लिया करो। जब फर्स्ट वीडियो बनता है ना उसमें एक एक बातों का जिक्र किया जाता है, एक एक बातों का मतलब समझ रहे हो, क्या SL होगा, टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, कहां पर दोबारा री एंट्री करनी है, कहां टारगेट जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, ऐसा हुआ तो क्या करोगे। अब आप लोग वीडियोस पूरा देखते नहीं हो, प्राइस को देख लेते हो और चले जाते हो, तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है, राइट? तो यही बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देख लिया करो, 4-5 मिनट का वीडियो होता है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है? तो और यहाँ देख लो, यहाँ साथ में कंपनी की लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है, वो आपको बता दूँ, कंपनी के मार्च 2022 के नंबर्स आने वाले Q4, वो आने वाले 30 मई को। तो 30 मई काफी इंपॉर्टेंट डेट है, स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, रखना है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बिहेव कर रहा है, आई नो स्टॉक का भाई नीचे आने वाला चाह ही रहा है भाई, है ना? अगर सपोर्ट लेता तो 50 पैसे का भी सपोर्ट लेगा, दोबारा मौका मिलता तो 50 पैसे बाय करना, ऐसा नहीं कि स्टॉक को अभी बाय करना, 50 पैसे नॉर्मल प्राइस है, मेरे लिए स्टॉक को दोबारा एंट्री करना है, क्योंकि मेरे पास माल है नहीं ना, तो मैं माल भरूंगा तो माल कहाँ भरूंगा? जो लोगों ने 1 रुपये में माल बाय किया है वो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज करेंगे अपने टूटने में, कम से कम 100% जब उनको लॉस हो रहा होगा, 100% समझो ना यार, हाँ अगर उनका तो 50% हो रहा है, लेकिन हम लोग अगर 50 पैसे बाय करेंगे 1 रुपये बेचेंगे तो हमें तो 100% का मुनाफा हो गया है ना, उनको तो छोड़ो,
अपना देखो, तो 50 पैसे में हम उसको एंट्री करेंगे, 51 पैसे, क्योंकि वो लोग पक्का उसको बाय करेंगे। कौन लोग? जो लोगों ने 1 रुपए 2 रुपए में बाय किया स्टॉक को, 2 रुपए तो गया ही नहीं, 1 रुपए 10 पैसे 13 पैसे में, तो वो लोग स्टॉक को एवरेज करेंगे। एवरेज कहाँ करेंगे? 50% तो एटलीस्ट लोग करते ही करते हैं, ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी है, राइट। तो हम वहीं बाय करेंगे, वहां सपोर्ट मिलेगा 50 पैसे में, स्टॉक आराम से 70-80 पैसे जाएगा, और वहां पर दोबारा हम पेल देंगे, पेल ने मतलब सेल कर देंगे, तो आपको 30 पैसे का मुनाफा हो गया। 30 पैसा कितना होता है? आप कट लगा लो भाई, 40-50% रिटर्न होता है, कम होता है क्या? वो भी पेनी स्टॉक्स में। तो इस प्रकार से पेनी स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। और यहाँ पर देखो लगातार जो क्वांटिटी है 100% की आपको देखने को मिलेगी, पता नहीं कौन लोग है जो लेके जाते हैं इसको, नीचे गिरने में लगा लोग भरने में लगे माल, नीचे गिरने में लगा लोग भरने में लगे माल। देखो 10 लाख शेयर यहाँ पर लोग अभी भी घर लेके गए हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना डिमांडिंग स्टॉक है ये, ठीक है, आपके सामने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके डेटा कह रहा है, राइट। अब डेटा तो कभी गलत नहीं हो सकता ना, मैं एक पल के लिए गलत हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन डेटा कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। तो डेटा आपके सामने, लगातार लोग घर लेके जा रहे हैं माल इसमें भर भर के। अब आप लोग अगर ये गलती करना चाहते हो तो व्यूअर्स भाई आपका भी स्वागत है, करो जितना कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तो अगले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं।